जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज यादव, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पंकज स्टडी सेंटर में स्वागत है। इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इतने कम समय में हम हिंदी की तैयारी कैसे करें कि हम बेस्ट परफॉर्मेंस कर सके, यानी 70 में 70 ला सके। जी हाँ, इसमें देख लो जितने भी सारे दिए गए हैं ना, इन सब की अगर आप तैयारी कर लेते हो तो भैया आप फिक्स करके चले आओगे 70 में 70। हाँ, फिक्स कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ जब एग्जाम समय मतलब बहुत कम रहता है तो बच्चा कन्फ्यूजन में रहता है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, है ना, इस उलझन में पड़ा रहता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ोगे। तो भैया जो एग्जाम में आने वाले वो सारा चीज़ हम बता रहे हैं, ठीक है, कि क्या क्या पढ़ना है आपको और क्या क्या नहीं पढ़ना। आप 100% 70 में 70 ला सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो भैया हिंदी का हम बता रहे हैं, ठीक है, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, 10 अंक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मिल जाएंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न से मिल जाएंगे। दूसरा नंबर आप देख सकते हैं कि भैया गद्यांश और पद्यांश मिलाकर के, दोनों गद्यांश और पद्यांश इसकी भी तैयारी कर लेना, दोनों मिलाकर के भैया 6-6 नंबर के आएंगे, यानी 12 नंबर इससे मिल जाएंगे गद्यांश और पद्यांश से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसकी तैयारी कर लेना। तीसरा खंड काव्य की तैयारी कर लेना, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें इससे भी 3 अंक के आएंगे खंड काव्य से, ठीक है। चौथा आप देख सकते हैं निबंध, निबंध किसी पे प्रदूषण पे, टेलीविजन पे, है ना, जो इंपॉर्टेंट है उस पर तैयारी कर लेना, ठीक है, निबंध, तो निबंध भी आपको 6 अंक के मिल जाएंगे, 6 अंक के, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पांचवा नंबर में आप देख सकते हैं कि 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में, यानी 2 क्वेश्चन दे देगा एक एक नंबर के, और उन दोनों प्रश्न के उत्तर आपको देना पड़ेगा संस्कृत में, ठीक है, यहाँ 2 अंक इससे मिल जाएंगे, ठीक है, 2 प्रश्न आएंगे एक एक अंक के, ठीक है, तो याद रखना, तो संस्कृत में। छठा में आप देख सकते हैं कि धातु लकार आएंगे एक एक नंबर के, जो कि 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे धातु लकार से, करेक्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं विभक्ति भी आएंगे 7वें नंबर में, देख सकते हैं विभक्ति की भी तैयारी कर लेना, विभक्ति जो है एक एक नंबर के आएंगे, टोटल हो जाएंगे 2 अंक यहाँ से आपको मिल जाएंगे विभक्ति से, ठीक है। 8वां में आप देख सकते हैं संधि विच्छेद, है ना, अब ये देखो संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद से भी आपको एक एक नंबर के, यानी 2 अंक मिल जाएंगे, यानी 2 क्वेश्चन पूछेंगे संधि विच्छेद से एक एक अंक के, ठीक है, तो 2 अंक यहाँ से आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत, संधि विच्छेद, पंकज का संधि विच्छेद, कमल का संधि विच्छेद, है ना, किसी का भी चीज़ का संधि विच्छेद आपसे पूछ दे, मान लो मनोहर का संधि विच्छेद ऐसे पूछ सकता है, कुछ किसी भी चीज़ का। 9वां यहाँ पे देख सकते कम से कम 2 शब्दों के पर्यायवाची शब्द आएंगे, पर्यायवाची शब्द, जैसे मेरा नाम पंकज है, पंकज का पर्यायवाची शब्द करो, है ना, इसका भी पूछ देगा, किसी भी चीज़ का, जैसे कि दिनकर का, जैसे सूर्य भगवान है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द करो, यानी दूसरा नाम बताओ, तो ये भी आ जाएगा, ठीक है, कम से कम 2 शब्दों के पर्यायवाची शब्द ये आएंगे, ये भी आपको भैया 2 अंक के आएंगे, करेक्ट ना। चलिए अब हमारे पास 10वां देख सकते हैं कि इसमें आ जाएगा, देखो 2 तत्सम रूप भी आएंगे 2 अंक के, ठीक है। 11 नंबर में देख सकते हैं कि 2 प्रत्यय भी आएंगे 2 अंक के, याद रखना, यानी एक एक अंक मिलाकर के, यानी 2 क्वेश्चन पूछेगा प्रत्यय से, ठीक है, कौन प्रत्यय है, इसमें क्या प्रत्यय है, पूछ देगा आपसे कि। क्वेश्चन नंबर 12 में देख सकते हैं कि 2 समास विग्रह भी आएंगे, जो कि यहाँ से एक एक नंबर, यानी 2 नंबर आपको मिल जाएंगे समास विग्रह से। उसके बाद यहाँ 13 नंबर में देख सकते हैं कि 3 उपसर्ग भी आएंगे, किसे 3 उपसर्ग आएंगे एक एक नंबर के, यानी 3 क्वेश्चन पूछेंगे वस्तुनिष्ठ टाइप से, उसमें 3 अंक के मिल जाएंगे आपको, ओके। 14 नंबर में देख सकते हैं सोरठा अथवा रोला की परिभाषा भी पूछ देगा, उदाहरण भी पूछेगा कि सोरठा अथवा रोला की परिभाषा दीजिए उदाहरण सहित, ठीक है, ये हमारे पास 2 अंक के आ जाएंगे। आगे आप देख लीजिए, इस सबकी तैयारी कर लेना, ठीक है, अगर किए होंगे तो और बेटर है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। 15 नंबर में देख सकते हैं कि रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा, अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण, ये भी 2 नंबर में पूछेंगे। 16 नंबर में देख सकते हैं हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा, ये भी 2 नंबर में आता है, करेक्ट ना। 17 नंबर में देख सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लीजिए, ये भी आपको 2 अंक यहाँ से भी मिल जाएंगे, करेक्ट ना। 18 में देख सकते हैं संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये भी आपको टोटल 4 नंबर के आएंगे, ओके, करेक्ट ना। 19 नंबर में देख सकते हैं एक कवि का जीवन परिचय तथा रचना का नाम, कोई भी कवि दे दिया जाएगा, उनके जीवन परिचय पूछेगा और उनके कुछ रचना के नाम बताने के लिए आपको कहेगा, तो ये आपको 3 अंक के आ जाएंगे। जिस तरह कवि के पूछता है जीवन परिचय, उसी तरह से हमारे पास यहाँ देख सकते हैं लेखक का जीवन परिचय भी पूछता है, तो लेखक का जीवन परिचय तथा रचना 3 अंक यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो भैया आप चाहो तो स्क्रीनशॉट मार सकते हो भैया इसमें, ठीक है, तो इन सब की अगर तैयारी किए हुए हो तो और बेटर है, अगर नहीं किए हो तो ये सारे के सारे आप पढ़ लेना, ठीक है,
तो बेटर रहेगा, आप आसानी से मतलब एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। और हाँ हाँ एक चीज़ मैं बता दूं कि भैया मैथ का चैप्टर बाय चैप्टर मैंने क्या किया है, सॉल्यूशन कर दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन जरूर चेक कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।